ट्रिकी मैथ्स विद मी में आज हम इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसको हम कुछ सेकंड्स में ही कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है कि इस तरह के नंबर्स को लाइक 1, 2, 3, पहले नंबर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 1, 2, 3, फिर डिक्रीज कर रहा है 2, 1, इस तरह के नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली 1, 2, 1 जो है वो 11 का जो है स्क्वेयर होता है। दैट मीन्स अनरूट 121 जो होता है, ये देखो एक्चुअली ये 121 का जो है आंसर 11 × 11 जो होता है हमारा 121 होता है। इसका मतलब अनरूट 121 जो है वो 11 के इक्वल होएगा। ठीक है, ओके अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 11। इसका आंसर क्या आएगा, आपने क्या करना है, सिर्फ मिडल वाली टर्म देखनी है, सिर्फ मिडल वाली टर्म। 2 को हमने देखा और 2 1 लगा दिए, 3 को हमने देखा तो 3 टाइम हमने 1 ले लेना है। यहाँ पे मिडल सबसे हाईएस्ट टर्म देखनी है और 4 टाइम हमने 1 ले लेना है। यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट टर्म देखनी है हमने, 5 और 5 टाइम हमने 1 ले लेना है। क्लियर, सिंपली इनको प्लस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1, 1, 1 5 टाइम है, ठीक है, फिर 4 टाइम है, फिर 3 टाइम है और फिर 2 टाइम है। तो ये आ जाएगा 4, 4, 3, 2, 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। क्लियर,